नमस्कार, पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा। हेले प्रथमे हेडलाइंस। केंद्र सरकार को फोकस रे चासी खरीफ धान एमएसपी एबे क्विंटल पिछा 1940 टंका 2021 एवं 22 वर्ष पई एमएसपी रे 72 टंका वृद्धि कला केंद्र कैबिनेट। ट्वीट करी केंद्र कृषि मंत्री कहिले 2022 सुधा चासी का आय दुई गुणा करबा को बड़ पदक्षेप। देशरे क्रमगत द्वितीय दिन में कमिला संक्रमण संख्या। गत 24 घंटा मध्य 92,596 जन संक्रमित चिन्हट। सेपटे राज्य में आज 43 जनक जीवन नहीं महामारी। 6019 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट। प्रकाश पाइला आईसीएमआर नेशनल वायरोलोजी रिपोर्ट। कोरोनार डेल्टा वेरिएंट विपक्ष में कोवैक्सीन अधिक प्रभावशाली। कोरोना भूताणुर बीटा एवं डेल्टा विरोध में कोवैक्सीन होउची प्रभावशाली। अभिषेक महापात्र इक्मो चिकित्सा। एयार आंबुलांस गले कोलकाता। खर्च हे 1.5 कोटी टंका। आर्थिक सहायता पर 4.5 कोटी ओडिशावासी को निवेदन कले पत्नी मौसमी। बीजेपी रे जोगदेले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद। नुआदिल्ली बीजेपी कार्यालय रे धरिले पद्म। पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थिले जितिन। एवं आसुचि आउ एक लघुचाप। आसंता 11 रे बंगोपसागर रे लो प्रेशर सृष्टि हेबा संभावना। प्रभाव रे कालीठु राज्यर विभिन्न स्थान रे होइपारे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा। आसवा संपूर्ण खबर को मोदी सरकार को फोकस रे चासी। सेतिपाई खरीफ धान एमएसपी एबे क्विंटल पिछा 1940 टंका। 2021 एवं 22 वर्ष पई एमएसपी रे 72 टंका वृद्धि करिछि केंद्र कैबिनेट। 2013-14 रु वर्तमान सुधा राज्य को 490 लाख मेट्रिक टन धान किणिछंती केंद्र सरकार। 2022 सुधा चासी का आय दुईगुणा करबा को मोदी सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति पूर्ण दिगरे एहा बड़ पदक्षेप बोली ट्वीट करी सूचना देइछंती केंद्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर। बढ़ला धानर एमएसपी 2021-22 वर्ष पई धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे क्विंटल पिछा 72 टंका वृद्धि करिसेंती केंद्र सरकार। फलरे धानर मूल्य 1868 टंकारु 1940 टंका को वृद्धि पाइछि। सेपरे ग्रेड ए धानर एमएसपी 1960 टंका को बढ़िछि। 2013-14 रे धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य थिला 1310 टंका। 2021-22 सुधा धान एमएसपी रे 1.5 गुणा वृद्धि होइछि। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे मैं सभी के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 2021 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो
तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। चाष उपरे विशेष भाबे निर्भर करथबा ओडिसा केन्द्र रे मोदी सरकार क्षमता को आसीबा परे धान किणारे आखि दृश्य वृद्धि पाइछि। 2013-14 रु वर्तमान सुधा राज्य रु 490.9 लाख मेट्रिक टन धान किणिछथि केन्द्र सरकार, जहाकि 105.08% अधिक। केन्द्र किणिथिबा धान रो मोट मूल्य 74,542.7 कोटी टंका। सेपरि ओडिसा रे चासिंग को आय 6,549.2 कोटी रु 13,948.6 कोटी वृद्धि पाइछि। एबे असंतु नजर पकेबा केउ मसिया रे ओडिसा रु केते धान किणिछथि केन्द्र सरकार। 2013-14 रे ओडिसा रु 42 लाख मेट्रिक टन धान किणिथिले केन्द्र सरकार। सेपरि 2014-15 रे 52.45 लाख मेट्रिक टन, 2016-17 रे 54.18 लाख मेट्रिक टन, 2018-19 रे 75.41 लाख मेट्रिक टन, 2019-20 रे 70.56 लाख मेट्रिक टन, 2021-22 रे 71.9 लाख मेट्रिक टन धान किणिबा को टारगेट रखिछंती सरकार। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1,360 रुपया कुंटल था और आज MSP की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियां, उसके परिणाम स्वरूप यह 1,940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1,250 रुपया कुंटल था, आज 2,250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1,310 रुपया कुंटल थी और आज 1,870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4,350 थी 14-15 में, आज 6,300 है। ऐसे ही मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4,600 उस समय थी और आज 7,275 है। उड़द को देखेंगे तो 4,350 थी, आज ये 6,300 रुपया प्रति कुंटल है। किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। धानर MSP वृद्धि चासिंग को आय द्विगुणा करबा दिकरे आ बड़ पदक्षेप बोली केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती। 2022 सुद्धा चासिंग को आय द्विगुणा करबा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देथिबा प्रतिश्रुति पूर्ण करबा दिकरे एहा दृष्टांतमूलक निष्पत्ति। MSP वृद्धि परे ओडिसा समेत पश्चिमबंग, आसाम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना भली राज्य रे चासिंग को आय बढ़िबो बोली कहिसंती केंद्रमंत्री। केवल धान नुहे, हरड़ और मुग डाली MSP भी क्विंटल पिछा 300 टंका बढ़ी। सेपरि राशि MSP क्विंटल पिछा 452 टंका वृद्धि पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सेपटे गत एक वर्ष मध्यरे देशरे बढ़ी चली विभिन्न खाइबा तेलर दाम, जोंथरे रही भारतीय मानक रोसई घरे बहुल भावरे व्यवहृत सोरस तेल, सूर्यमुखी, पामोलिन बा अन्य जेउ खाइबा तेलर कंचा माल साधारणतः विदेशरु आमदानी होइथाए। कोविड जोगु से सबुर उत्पादन एवं आमदानी रप्तानी रे समस्या सृष्टि होइथिबारु दाम बढ़ी बोली कुआ जाउची। मात्र सोरस तेल काहीकि बढ़ी तार एक जुक्तियुक्त उत्तर रखिछंती केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर। पूर्वरु भारतीय बजार रे मिलुथिबा सोरिष तेल रे साधारणत अन्य तेलर मिश्रण घटुथिबारु ताहा अपेक्षाकृत सस्ता रहुथला। जेउ तेल को आमे भेजाल बोली कहि परबा आउ जहा शरीर पई क्षतिकारक, आपण माने जानती सोरिष तेल रे आर्गेमान तेल मध्य मिसा जाय थाए, जेउति पई यहार दाम कम होइथाय, मात्र ताहा एक क्षतिकारक तेल। केन्द्र सरकार एबे सोरिष तेल रो शुद्धता रक्षा पई आर्गेमान ओबं अन्य तेल रो मिश्रण बा भेजाल प्रक्रिया को बंद करिसंती, जेउति पई बढ़िछि एई खाइबा तेल रो दाम। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं, और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया, स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। आगु खबर जारी रहइबो, बुलेटिन समय छै एक छोट ब्रेक रहो।
ब्रेक पर स्वागत। 16 वर्ष रु कम बयस पिला फाइजर कंपनी निर्माता टीकार क्लिनिकल परीक्षण आरंभ करने को जाऊँगी। एने मंगलवार दिन अमेरिका टीका निर्माता कंपनी फाइजर सूचना देती। फाइजर कही परीक्षण प्रथम पर्यायर कम डोज सर्ट चयन करे कि देश में क्लिनिकल ट्रायल कर। क्लिनिकल ट्रायल में 6 मस रु 12 वर्ष 4500 पिला सामिल हे। अमेरिका समेत पोलैंड फिनलैंड और स्पेन में ट्रायल कर। प्रथम पर्याय ट्रायल में मात्र 144 जन पिला सामिल कर। यार फलाफल सकारात्मक रही अधिक पिला टीका परीक्षण करने फाइजर निष्पत्ति। अमेरिकार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अनुसार सेठारे प्राय 7 मिलियन पिला टीका दि सारी। तेज भारत में 12 वर्ष ऊर्ध पिला किभली टीकाकरण कराकने फाइजर सहित भारत आलोचना जारी रही। अमेरिका तरफ बहुत शीघ्र भारत पाई फाइजर वैक्सीन पहुंचार सूचना मिली। सबड़े प्रकाश पाइला आईसीएमआर नेशनल वायरोलोजी रिपोर्ट। कोरोनार डेल्टा वेरिएंट विपक्ष में कोवैक्सीन अधिक प्रभावशाली रही। डेल्टा वेरिएंट सृष्टि होई भारत में तेज आश्वस्तिकर खबर यह जे कोरोना भूताणुर बीटा एवं डेल्टा विरोध में कोवैक्सीन अधिक प्रभावशाली। आईसीएमआर नेशनल वायरोलोजी वैज्ञानिक मानक रिपोर्ट अनुसार कोरोनार डेल्टा वेरिएंट विपक्ष में कोवैक्सीन सबुठारु अधिक प्रभावशाली। कोरोना भूताणु B1351 बा बीटा विरोध में मध्य प्रभावशाली। देश में कोरोना महामारी संक्रमण द्वितीय लहर जो आतंक सृष्टि होई स्थले संक्रमण दूरे रहा लगी सरकार पक्ष सार्वजनीन टीकाकरण जारी रही। भारत में सीरम इंस्टीट्यूटर कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत करोवैक्सीन डोज लोक प्रदान करोना महामारी भूताणु विरोध में कोविशील्ड प्रभावशाली रही। से हीपरी कोवैक्सीन डोज कोरोना भूताणुर बीटा बा B1351 एवं डेल्टा B1617.2 वेरिएंट विरोध में प्रभावशाली सब्यस्त होई बोली एक रिपोर्ट रे प्रकाश पाई। बीटा वेरिएंट दक्षिण आफ्रिकार सृष्टि होता बेले डेल्टा भारत में सृष्टि होई। एनआईबी आईसीएमआर और भारत बायोटेक पक्षर होता एक सर्वे आधार में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर। कोवैक्सीन रो न्यूट्रलाइजेशन क्षमता बीटा एवं डेल्टा वेरिएंट तुलना रे 3 गुणा अधिक। एही दुई वेरिएंट विरोध रे शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करिवारे कोवैक्सीन प्रभावशाली रहिछि बोली गवेषक माने कहिछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सबडे चेन्नई रे हाथी मानंकर करा जाउछि कोविड टेस्ट। किछि दिन तळे किछि सिंह भूताणु संक्रमण रो शिकार हेबा सह एक सिंहर मृत्यु होता जो निभली पदक्षेप। परीक्षापाई जा 27 क्षमा कर 28 हाथी स्वाब नमूना। चेन्नई में हाथी कोविड टेस्ट। भूताणु संक्रमण में एक सिंहर मृत्यु जो पदक्षेप। परीक्षापाई जा 28 हाथी स्वाब नमूना। पॉजिटिव आसिले स्वतंत्र चिकित्सा। मारात्मक कोविड भूताणु केवल मनुष्य को नुहे एवं पशु देह को संक्रमित होबार आशंका सृष्टि हेलानी। निकटरे हैदराबाद एक जुलॉजिकल पार्क रे 8टी एवं चेन्नई निकटस्थ एक जुलॉजिकल पार्क रे 11टी सिंह कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा सहित गोटे सिंगीर मृत्यु घटीथिला। एहा परे देशर प्राय अधिकांश जुलॉजिकल पार्क एवं वन्य जीवजंतु रहुतिबा अभयारण्य रे एबे निया जाउछि सतर्कतामूलक पदक्षेप। सूचना अनुसार से चेन्नई रे थिबा मुदुमल्लाई टाइगर रिजर्व रे 28टी हाथीकर करा जाइछि कोविड परीक्षा। जेहेतु से ही पाखरे थिबा आउ एक जुलॉजिकल पार्क रे सिंह माने संक्रमणर शिकार होइथिले सेथि पई हाथी मानकर मध्य स्वाब टेस्ट करा जाइछि। तमिलनाडु रो जंगल रु मंत्री का परामर्श रे 28 हाथीकर जे स्वाब सैंपल संग्रह करा जाइछि से सब को उत्तर प्रदेश रो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को पठा जाइछि। सविशेष परीक्षा परे आउ किछि दिन मध्यरे हाथी माने संक्रमित होइछन्ति कि नाही जणा पड़िबो। संक्रमित बोली जणा पड़िले सेमानको स्वतंत्र भाबरे चिकित्सा करा जिवार व्यवस्था करा जाइछि। हाथी गुड़िक मध्यरे 2 रो 60 वर्ष बयसर हाथी रहिछन्ति। सेति मध्यरे 26टी बड़ तथा वयस्क हाथी थिबा बेले 2टी छुआ हाथी थिबार जणा पड़िछि। जदियो एजाए देशर कोनसी हाथीक देहरे कोरोना संक्रमण चिन्हट होइनि मात्र सतर्कतामूलक पदक्षेप भावरे एही परीक्षा व्यवस्था करा जाइछि बोली प्रकाश करिछन्ति टाइगर रिजर्व कर्तृपक्ष। कोविड भूताणु पशु देहरु मनुष्य देह को आसीछि बोली संदेह करा जाउछि।
ଯାହାକୁ ଜୋନୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଦେହରୁ ପଶୁ ଦେହକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେଶରେ କୁକୁର ଏବଂ ବିରାଡ଼ି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଭାରତରେ ସିଂହ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସମେତ ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଆଜି ଜିତିନ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ। ସେ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିଚାର କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଥିଲେ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ। ସେ ପୂର୍ବତନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜିତିନ। ଦିବଂଗତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପୁଅ ଜିତିନ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे जीवन, राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। ଯଦି ଆପଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଘରେ ସଂଘରୋଧ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଟେଲି ମେଡିସିନ୍ ସୁବିଧା। 9:00 to 9:00 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ 011-412-3-6679 ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ଡାକ୍ତରୀ ସେବା। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସୁବିଧା। 011-412-3-6679 ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ରହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ରେ ଏହି ସେବା ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। 9:00 to 9:00 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ, ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ବଛା ବଛା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, 011-412-3-6679। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପରି ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
92,596 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती क्रमगत भाव में देश में द्वितीय दिन पर दैनिक संक्रमित संख्या 1,00,000 कम रही बेले संक्रमण हार 5% तले रही तेज गत 63 दिन मध्य मंगलवार दिन देश में सर्वनिम्न संख्यक कोरोना संक्रमित चिन्हट होती स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुजाई विगत 24 घंटे 2219 जनकर कोरोना मृत्यु घटी वर्तमान देश में मोट कोरोना आक्रांतों संख्या 2,90,99,000 छुईवा बेले 353,528 जनकर कोरोना मृत्यु घटी एवं देश में 12,31,415 जन कोरोन चिकित्साधीन रही समय सरी बुलेटिन को ये रखा नमस्कार।